संजय उराव जी पहला गोलदाता, आप चले आएंगे संजय उराव। संजय बोराव पहला गोलदाता जो 30 सेकंड के अंदर किया, इसीलिए आपका मैन ऑफ द मैच घोषित किया जा रहा है। मोहम्मद अली का चाचा आपने स्टेज चले आसुन, और आप भी आएंगे विजय हेमराम, मुखिया सिंह चांडेल के खिलाड़ी विजय हेमराम। अरे मैन ऑफ द मैच की तुले देवे नामादेर विजय हेमराम, आप भी चले आएंगे। आशु पाटिल सुकार्यकर्ता मैं कहूंगा इस्माइल क्लब कोठी मां मालिक की ओर से बहाया आकाश उड़ाओ ने, और उसका पसीना रंग लाई टीम को उन्होंने अपने दम पर द्वितीय चक्र में प्रवेश कराई है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य संघ चांडिल के सभी खिलाड़ियों को, उनके टीम मैनेजर बुद्धेश्वर बेसरा जी को, टीम के कोच मंगल टूटू जी को। आज आपने बहुत ही बेहतरीन टीम मैदान उतारा है, कहने का मतलब उतारा था। बोल भाई बोल। अगले साल के लिए आपका प्रेम का निमंत्रण रहा, तो चलिए अगले मैच के लिए सोरेन टाइगर एफसी बना मैचशिप लेग चेलको गत्सल के विजेता टीम मैचशिप लेग चेलको पंडाल के राइट हैंड साइड में मैकेनिकल जर्सी में, वही पंडाल के लेफ्ट हैंड साइड में पिंक कलर में नजर आ रहा है सोरेन टाइगर एफसी। और शुरू होगा द्वितीय चक्र का प्रथम मुकाबला। आप दोनों तैयार रहिएगा, अपने खिलाड़ी को भी तैयार रखिएगा। टीम कैप्टन रोहित स्पॉडेंगल ग्राम बनाम पीएसएसपी जमशेदपुर, रोहित स्पॉडिंग तुलग्राम बनाम बीएसएसपी जमशेदपुर, दोनों टीमों के टीम कैप्टन से अनुरोध है सेकंड राउंड का पहला मुकाबला के लिए आप अपने खिलाड़ी को तैयार रखिएगा। तो दर्शक बंधु आप देखते चले प्रथम राउंड अंतिम खेला, और अंतिम खेला से दुई अवसाद करा होते एसी लेग चेल को एवं तार प्रतिद्वंदी दल पिंक कलर पंडा लेफ्ट हैंड साइड करा होते सोरेन टाइगर एफसी। और आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को दूर दराज से आए हुए जितने भी खेल प्रेमी होटल वाले ठेले वाले किसी न किसी रूप में आज आप कमेटी को सहयोग दे रहे हैं, आप सबकों को जन सेवा ही लक्ष्य। कमेटी परिवार की ओर से एवं आज हम जो ये दो दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता देख रहे हैं, ये इस क्लब के संस्थापक यानी कि जन सेवा ही लक्ष्य के संस्थापक आशु पाटी के केंद्रीय सचिव आदरणीय बड़े भाई हरलाल महतो जी के इस जन्म दिवस पर विराट एक दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता आप सबको समर्पित है। कल भी इसी तरह आठ टीमों के बीच मुकाबला होगा, आठ से आठ टीमों का नाम मैं आपको बाद में थोड़ा सा बताऊंगा जब आप थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, कहने का मतलब खेल खत्म होगा उसके बाद, ये खेल खत्म होने के बाद आपको बता दिए, क्योंकि आपका अभी दिल लगा बैठे इस खेल से, आंख लगा बैठे इस खेल में, तो हमारी बातों को थोड़ा कम सुनेंगे, क्योंकि जब निगाहें दूसरी जगह पर हो तो सुनने का शक्ति थोड़ा सा कम हो जाता है। चलिए प्लेयरों से आप सभी का परिचय करा दें, टीम से तो परिचित हो गए हैं, हम प्लेयर की बात करेंगे एशिया प्लेयर खेल को। एशिया प्लेयर खेल को में आज मैनेजर जो है वो है अमरीत दास, टीम के कोच रामू बास्के, रामू बास्के बहुत ही चर्चित गोलकीपर में गिने जाते थे जब से फिर स्टार प्लेयर में शामिल होते थे रामू बास्के, वही भी खेल रहे हैं अंकित खुजूर गोलकीपर, गुरमीत मुखी जैसे नेशनल प्लेयर जैसे नंबर 17, टीम के कैप्टन है नेशनल प्लेयर बासित हंसदा जैसे नंबर 2, दिलीप किनो जैसे नंबर 5, विशाल सोना जैसे नंबर 12, एडविन तिर्की जैसे नंबर 8, बेताल जैसे बहुत ही चर्चित प्लेयर को शामिल किया गया है जैसे नंबर 10,
विक्रम किस्को जर्सी नंबर 7, बीरसा टूटो जैसे नंबर 11, फूलचांद हेमब्रोम जैसे स्टार प्लेयर को शामिल किया गया है। फूलचांद हेमब्रोम नेशनल प्लेयर और एक गुंजन टूटो जैसे नंबर 9। आज गौरव मुखी जैसे प्लेयर भी आ चुका है, लेकिन वो विश्राम ले रहे हैं। तो आपको समझना होगा कि आज कैसे कैसे प्लेयर को रामू और अमृत जी ने लाया है। साथ में जितेंद्र को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जितेंद्र लोहार को भी, इस टीम के बहुत ही अहम स्तंभ है। चलिए दर्शक बड़ी बेसब्री से गौरव का इंतजार कर रहे हैं। नेशनल प्लेयर वो भी आईपीएल के बहुत ही टफ लेवल के प्लेयर थे, आएंगे। चलिए आपके दिल की आवाज सुन ली है, आएंगे। कब आएंगे मैं बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन देखने वाली बात होगी सिचुएशन क्या होगी। वही बात करें आज सोरेन टाइगर फुटबॉल क्लब की लक्की मंडी जैसे गोल कीपर वही सचिन बांद्रा तित्रार खिलाड़ी जसवर 5, कृष्णा गोबरे शिशिर पोर्ते जैसे स्टार खिलाड़ी जैसे नंबर 2, वही जयपाल सिरका जैसे स्कोरर को शामिल किया गया है जैसे नंबर 7 एवं कृष्णा बोधरा जैसे नंबर 11। तो दोनों टीमों में स्टार खिलाड़ी के भरमार है। चलिए आसमान की सीता ये तो हम नहीं बताएंगे, धर्मेंद्र भाई जैसे कहते हैं समय बताएगा। और समय समय की बात है, समय किसी को अमीर बना देता है तो समय किसी को फकीर बना देता है, समय किसी को राजा बना देता है तो समय किसी को रंक बना देता है। इसीलिए अपने आप पर मत इतराइए कि समय बलवान है, समय के मुताबिक हमें चलना पड़ता है। धर्मेंद्र जी बिल्कुल सुखेंदा दुई दोले किंतु हमरा वह ये डिफेंडर की बहुत ही बड़ी गलती, हल्का सा उन्होंने दिशा बदलने का प्रयास किया था गेंद को हेड करके, लेकिन दिशा तो नहीं एसी ब्लैक टेल्को का दशा बदल गई। आप दिशा बदलने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने दशा बदल दिया। और दूसरे की गलतियों को आप नहीं देख पाए थे, क्षमा चाहेंगे किसने गोल किया। प्रिय दर्शक भी तो जानी दी খেলাই বলা মুশকিল, এর আগেই খেলা আমরা দেখতে পেলাম। মুখিয়াসং চান্ডিল ভার্সেস কুটিমাগলি, প্রথম গোল করেছিলেন মুখিয়াসং চান্ডিল এবং বলবান প্রিয় দর্শকবৃন্দ সরেন টাইগার এফসিও কিন্তু কমলা, তারা 1-0 গোলে পিছিয়ে কিন্তু হাল ছাড়ার চেষ্টা করবে না, তারাও আক্রমণ করে যাবে। দেখা যাক তারা ক্ষমতায় সঠিক সময়ের মধ্যে ফিরে আসতে পারছেন কিনা। গোলটা কে করলো দাদা? একটি প্লেয়ার আহত আমরা দেখতে পাচ্ছি মাঠের মধ্যে, সরেনের টাইগার এফসি। খালি কি খেল কে হিসা হে ওভার ওয়ান ম্যানেজার আ রাহা হে সুচিত ভাই অটোবে দেশম্বো। सुंदर बंटवारा मौका बनेगी सोरेन फुटबॉल क्लब की ओर से, इनके सोरेन टाइगर पा होती अच्छा मौका, नीचे रखने में असफल, पावर दिया था मेघलाल ने। কাপড় থেকে এভাবে আপনারা মোড়ামুড়ি করবেন নেই, এটা অনুরোধ থাকবে। এই খেলাটা আপনাদের জন্যই নয়, আপনাদের সহযোগে পুরো টুর্নামেন্টের আয়োজন করানো হয়েছে। প্রত্যেক বছর আবার কোনের কাছে বল একটা সুযোগ, কিন্তু দেখা যাক। কুঞ্জন ফিনিশিং করতে চেয়েছিলেন, ওখানে অনেক সুন্দর ব্লক, গোলকিপিং, গোলকিপার তিনি হচ্ছে লক্ষ্মী মান্ডি। আবার ফুলচাঁদ গোল
बेंगल क्षेत्र स्टार प्लेयर और आगे बोले छिलाम जे आमी दे प्रथम गोल जे करबे ओनाके 200 रुपया माने 200 टाका दिबे आमादेर चाचा किंतु आबार बराबरी गोल जे प्लेट करबे ओनाके 300 टाका दिबे आमादेर चाचा आबार फुल चांग आगे जाओ फुल चांग बहुत सुंदर मार्श यहाँ थोड़ा सहारा पड़ा गया टिकट सा टूर पंचायत का द्वारा अपने पास विशाख के लिए लैपटॉप के फायदा नहीं मिलेगी हालांकि डिफेंडर आगे निकल के आए हैं और निकलने का प्रयास बहुत ही चपलोक किया गया है टेस्ट नंबर 13 के द्वारा महेश और एक और की का इशारा और वहाँ जयपाल सिर का देखा कि नहीं ये बाहर जा रही है गेंद तक पहुंचने का प्रयास जरूर किया गया था लेकिन बेकार सकी। चलिए द्वितीय मुकाबला जो कहने का मतलब है द्वितीय राउंड का पहला मुकाबला जो होगा आप दोनों के बीच यानी कि रोहित स्पर्धित ग्राम बनाम PSSP जमशेदपुर। बंधु जो पहला गोल आया इसमें तेलको की ओर से और विक्रम के द्वारा जर्सी नंबर 7 ने बहुत ही अच्छा साथ दिया टीम को और फ्री किक बेकार हो चुकी है। सॉरी टाइगर एफसी इस शुरुआती क्षणों में पहला गोल हमें देखने को मिले करीबन 2-3 मिनट के अंदर अंदर ही और धर्मेंद्र भाई आज जितने भी गोल हुए हैं मतलब प्रथम गोल हुए हैं कभी 30 सेकेंड कभी 40 सेकेंड कभी 3 मिनट ये 4 मिनट के अंदर ही गोल हुई है। बिल्कुल सुखेंदा दर्शक এই গোলে মন ভরে দিয়েছে অনেক দূর দূরান্ত থেকে অনেক দূর দূরান্ত থেকে প্রিয় দর্শকবৃন্দরা এসেছেন এই খেলার আনন্দ উপভোগ করার জন্য এবং তারা এই খেলায় খুবই সুন্দরভাবে আনন্দ উপভোগ করেছেন এবং প্রত্যেক খেলেই তারা গোল দেখতে পেয়েছে। আশা করব প্রিয় খেলোয়াড় অনেক দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন প্রিয় দর্শকবৃন্দরা আপনারা যেন তাদের মনকে ধরে দেওয়ার চেষ্টা করেন এই খেলার মাধ্যমে। সোরেন এফসি 1-0 গোলে পিছিয়ে এসি ভিলেকটেলকো দেখে নিচ্ছেন কাকে দেওয়া যায় খুবই সুন্দর তার সাথী খেলোয়াড়কে বেছে নিয়েছেন লম্বা একটি শট কিন্তু না তার থেকেও বেশি দক্ষতা সরেন এফসির গোলকিপার বলটি নিজের আয়ত্তে নিয়ে তার সাথী খেলোয়াড় 8 নম্বরকে দিয়েছেন और तरीका थोड़ा सा गलत चेतावनी के तौर पर विशाल शोना को ये पीला कार्ड फ्री किक लेने के लिए तैयार जैसे नंबर 15 कृष्णा को द्वारा धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब को अशु पाड़े के कचकथा अशु पाड़े के जिलाध्यक्ष आदरणीय कन्हैया सिंह जी बहुत दूर से आए हैं जन्मदिन का शुभकामना देने के लिए सर आपका बहुत 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 स्वागत करता है क्योंकि उनसे बाहर लच कमेटी परिवार बार अब आक्रमण चेष्टा सॉरेन स्पोर्टिंग देखा जाक तारा खंगोते फिर आस्ते पारिन कि ना 11 नंबर देखे देखे नीचे काके देवा जाए 7 नंबर के दिएचेन 7 नंबर থেকে 13 বিপদের গন্ধ সরেন স্পোর্টিং কিন্তু না 14 নম্বর আবার দেখে নিচ্ছেন কাকে দেওয়া যায় ব্যাক পাস 4 নম্বরকে দিয়েছেন 4 থেকে 6 খুবই সুন্দর তালমেল পায়ের জাদু দেখিয়ে সরেন স্পোর্টিং 15 নম্বরকে দিয়েছেন আবার আক্রমণের চেষ্টা সরেন স্পোর্টিং কিন্তু না আবার সেই 6 নম্বর ব্যাক পাস আবার খুবই সুন্দর শট কিন্তু না সোজা মাঠের বাইরে বাড়ের गत साल हमने देखा यानी कि 2022 में मैदान में थोड़ी बहुत अगर कुछ त्रुटियां थी कमी थी
तो मेरे ख्याल से धर्मेंद्र जी इस बार उस कमी को पूरा किया गया है, क्योंकि ऐसा मैदान बहुत खुशनसीब प्लेयर को मिलता है और ऐसा मैदान केवल और केवल मैं कहूंगा हमारी ईशागढ़ विधानसभा में इस भादोड़ी हथखड़ी ग्राम में है। ये मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस क्लब के संस्थापक के साथ साथ हमारे जितने भी कार्यकर्तागण है, मैदान को बचा के रखे हैं, ये काबिले तारीफ है। দেখা যাক আক্রমণের চেষ্টা সরেন টাইগার এফসি। দেখা যাক তারা এই সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগাতে পারেন কিনা। দুই নম্বর তার পায়ে জাদু দেখিয়ে ১৩ নম্বরকে দিয়েছেন, ১৩ থেকে ৭ দেওয়ার চেষ্টা কিন্তু না। দুই নম্বর দেখে নিচ্ছেন কাকে দেওয়া যায়, ৭ নম্বর সরেন এফসি টাইগার আক্রমণের চেষ্টা খুবই সুন্দরভাবে वापस दिए बोल दी तुले दिए चले। किंतु टीम के कैप्टन भी हैं जैसे नंबर दो वही गुरमीत भी मुखी जैसे प्लेयर जैसे नंबर 17 अभी तो ये सब है। लगता है गौरव का इंतजार हो रहा है दर्शकों को। बिल्कुल सुकेंदा ये माठे हमरा देखते पाछी हमारे खूबी अनुभवी खिलवाड़ रहे छे। দুই দলই কিন্তু হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। এসি ব্ল্যাক টেলকো সরেন টাইগার এফসি আক্রমণের চেষ্টা সরেন স্পোর্টিং নাম্বার ২ খুবই সুন্দরভাবে বিপদ মুক্ত করে দিয়েছেন এসি ব্ল্যাক টেলকো। খুবই সুন্দর লম্বা একটি শট বল চলে গেছে সীমারেখার বাইরে। একটি আমাদের দ্বিতীয় অর্ধের খেলা শুরু। সরেন স্পোর্টিং এর কাছে বল খুবই সুন্দরভাবে সীমারেখার বাইরে বলকে পাঠিয়ে দিয়েছেন সরেন স্পোর্টিং। বল থ্রোয়িং করবেন এসি ব্ল্যাক টেলকো নাম্বার ৫। সরেন স্পোর্টিং নম্বর ১৪ বল থ্রোয়িং করেছেন, দেখে নিচ্ছেন কাকে দেওয়া যায়। ১৪ নম্বরকে দিয়েছেন খুবই সুন্দর সীমারেখার বল বাইরে, রেফারি হুইসেল বাজিয়ে জানিয়ে দিলেন নম্বর ৫ বল থ্রোয়িং করবেন। জামশেদপুরের অনুকূলে তাই দুই দলের অধিনায়কের কাছে আমার নম্র নিবেদন, আপনারা সঠিক সময়ের মধ্যে মাঠে প্রবেশ করার চেষ্টা করবেন এবং সমস্ত প্রিয় দর্শকবৃন্দর মনকে জয় করার চেষ্টা করবেন। আস্তে ভুল করব না, চেষ্টা করে যাচ্ছেন আবার সেই এসি ব্ল্যাক টেলকো খুবই সুন্দরভাবে তার সাথী খেলোয়াড়কে পাস দিয়েছেন ১০ নম্বর, দেখে নিচ্ছেন কাকে দেওয়া যায়। ব্যাক পাস কিন্তু না, লেফারি হুইস একটি সুবর্ণ সুযোগ সরেন স্পোর্টিং। দেখা যাক তারা এই সুবর্ণ সুযোগকে কাজে লাগাতে পারেন কিনা। না না, তারা সেই বাড়ি দেখতে দেখতেই লেফারি হুইসেল বাজিয়ে জানিয়ে দিলেন খেলা সমাপ্ত। এসি ব্ল্যাক টেলকো দ্বিতীয় রাউন্ডের জন্য জায়গা একটি চেঞ্জ আমরা দেখতে পাচ্ছি। নাম্বার ৩ ইন এসি ব্ল্যাক টেলকো, নাম্বার ৩ ইন আউট নাম্বার ৭। এসি ব্ল্যাক টেলকো ১৫ নম্বর আক্রমণের চেষ্টা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বল খুবই সুন্দর তার পায়ের জাদু দেখিয়ে দুইজনকে নিয়ে কিন্তু না। সরেন স্পোর্টিং ৭ নম্বর, দেখে নিচ্ছেন কাকে দেওয়া যায়। খুবই সুন্দর ১৪ নম্বরকে দিয়েছেন ১৪ নম্বর ১৪ থেকে ৬।
छये देखे निचन का जाए खूब ही सुंदर भाव तरह साथी खेलवाड़ दो नम्बर के दिए नम्बर पर अब राइडर देख 16 नंबर के दिए 16 थे 13 एक सुवर्ण सुजो एसी ब्लैक ब्लैक सॉरी स्पोर्टिंग राउंड गुली आपर एक सुवर्ण सुजो का हम लोग देखते भी थे सुंदर एसी ब्लैक टेल को 15 नंबर आक्रमण चेष्टा 15 থেকে 6 দেখে নিচ্ছেন কাকে দেওয়া যায় 10 নম্বর 10 নম্বর থেকে আবার 16 দেখে নিচ্ছেন বোটে প্রবেশ করার চেষ্টা করব गौरमुखी देखा जाक तार पायर जादू किंतु ना सेखाने कोनो खेलवाड़ ना था गाइस बोल्टी सजा सोरेन स्पोर्टिंग रोनु गुले सोजा माठेर बाहरे बोल एक सुवर्ण खूब ही सुंदर खिलवाड़ गोलकीपर एसी ब्लैक टेल को देखते देखते हमारा माठेर मध्य उपस्थित रोहित स्पोर्टिंग तुलग्राम के देखते पाच्छी माठेर मध्य तारा सठिक समय मध्य माठे प्रवेश करेछेन दल अधिनायक के अशेष अशेष धन्यवाद जानाई तिनी तार दल के सठिक समय मध्य माठे प्रवेश करिएछेन जमशेदपुर अपनी और अपना दल के लिए माठे प्रवेश करार चेष्टा करो बीएसएसपी जमशेदपुर खूब ही सुंदर खेला देखिए सर सोरेन मंच के बाएं और जितने भी बैठे हुए हमारे कमेटी मेंबर आप लोग बैठे मत रहिए फिर हमें खाते जाओगे जल्दी आसिए पार ले पीछे जा पार ले तुम खाते जाओगे सेकेंड राउंड का पहला गेम रोहित स्पोर्टिंग तुलग्राम वर्सेस बीएसएसपी जमशेदपुर दुई दलेर अधिनायकेर काछे आमार नम्र निवेदन आपनी सठिक समयेर मध्ये माठे प्रवेश करार चेष्टा करुन अन्यथा आपनादेर समये कटौती करा होबे ताई प्रिय दुई दलेर काछे आमार नम्र निवेदन आपनारा सठिक समयेर मध्ये माठे प्रवेश करार चेष्टा करुन
निवेदन अपना कपड़ी छेड़े देवर चेष्टा करबें से ही बुद्धिजीवी दर्शक नम्र निवेदन अपना कपड़ी छेड़े देवर चेष्टा करबें हमारे कमेटी के मेंबर वहां जाएंगे कमेटी के मेंबर जो बैठे हुए हैं लेफ्ट साइड में आक्रमण चेष्टा स्पोर्टिंग देखा जाए तारा आबार क्षमता फिर आसते परे कि ना খুবই সুন্দর হুইহুল্লোড় আমরা দর্শকবৃন্দের কাছে শুনতে পাচ্ছি খেলায় যখন আনন্দ উঠে অটোমেটিক্যালি দর্শকের ভিতরের আওয়াজ বাইরে ফুটে ওঠে দর্শকবৃন্দরা যতটাই বেশি উৎসাহ খেলোয়াড়দের দেবেন ততটাই বেশি গৌরবমুখী সুপারস্টার খেলোয়াড় দেখা যাক তার পায়ের কতটা জাদু আমাদের এই ছাতকিড়ির মাঠে দেখ খুবই সুন্দর আরেকটি সুবর্ণ সুযোগ ছিল কিন্তু সেখানে কোনো প্লেয়ার না থাকায়